लुधियाना न्यूज़ की तरफ से हमारे सभी दर्शकों को बहन एवं भाइयों के पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज़, मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। शहर में गाड़ी को निकालने के चलते हुए विवाद, जिसमें दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनमें से एक व्यक्ति को ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि आरोन बस स्टैंड पर पहले गाड़ी छोड़ने के चलते बस कंडक्टरों के बीच विवाद हुआ। विवाद इतना बड़ा कि उसमें धारदार हथियारों का भी उपयोग हुआ, जिसके चलते फहीम खान और शम्मी खान गंभीर रूप से घायल हो गए। शम्मी खान को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय भर्ती कराया गया, वहीं फहीम खान को गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने दोनों ही युवकों पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मेरा मामू बस कंडक्टर हैं, वो भी बस कंडक्टर थे, तो है ना, इनने क्या करा, गाड़ी आगे बढ़ा दी। उनकी गाड़ी बढ़ना थी, उनने की क्यों बढ़ा दी, उन्हें नहीं जिनसे गाड़ी बखान लगे इनके लिए, उनने की नहीं, उनने ऐसा नहीं, मेरा टाइम था। उन्हें फहीम नईम दे जबरदस्ती मामू से आन के 10-12 ने लड़ने लगे, मेरे मामू पे हमला करा। तो इनके कहाँ कहाँ चोट आई? इनके पैर फ्रैक्चर बताया, टाँके लग रहे हैं सर पे, और हाथ में भी दिक्कत आई है, हाथ में प्रॉब्लम है इनकी। उनने सब ने आन के हमला कर दिया, लट से रोहांगी से उससे सबसे, मतलब मारा मामू को। क्या नाम है आपके मामू को? सम्मा खान, समद खान और सम्मा। वहाँ पर जो है आपस में दो पार्टियों के बीच में जो है मारपीट की घटना घटित हुई थी, उस पर से दोनों पक्षों के ऊपर कार्रवाई की गई है और शांति व्यवस्था बनाई गई। सर, किस बात को लेके हुआ था ये झगड़ा? ये झगड़ा जो है बस स्टैंड पर जो है गाड़ी पहले ले जाने और रवाना करने के उसमें विवाद हुआ। जेल में भाइयों से मिली बहनें तो भर आई आंखें। रक्षाबंधन का त्यौहार जेलें भर में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जगह जगह बहनें अपने भाइयों को राखी बांध रही हैं, तो बाजारों में भी त्यौहार की रौनक अलग ही दिखाई दे रही है। गुना जिला जेल में बंद 570 कैदियों को राखी बांधने आज बहनों का हुजूम लग गया। भाइयों को राखी बांधते समय बहनों की आंखें छलक आईं। रक्षाबंधन पर उन्होंने भाइयों से संकल्प लिया कि वह जेल से बाहर निकलकर अपराध का रास्ता छोड़ेंगे और एक अच्छे भाई का बनकर दिखाएंगे। डिजियाना न्यूज की टीम जिला जेल पहुंची तो माहौल पूरी तरह भावुक दिखाई दिया। जहां बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांध रही थी, तो दोनों ओर खुशी के आंसू छलक रहे थे। जिला जेल प्रशासन ने बहनों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए थे। जेल के बाहर टेंट लगवाया गया था ताकि धूप और बारिश से परेशानी ना हो। वहीं कतारबद्ध होकर बहनें बारी बारी से जिला जेल के अंदर प्रवेश करते हुए एक विशेष परिसर में एकत्रित होकर सभी भाइयों को राखी बांध रही थी।
स्वच्छ भारत की दुहाई देते हुए सरकार करोड़ों रुपया विज्ञापनों पर खर्च कर रही है। वहीं लोगों को भी इस तरह से समझाइश भी दी जा रही कि अपने आसपास के वातावरण में गंदगी न करें एवं अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ एवं साफ रखें। ऐसा करने के पीछे सरकार की मंशा केवल इतनी है कि गंदगी से होने वाली बीमारियों से बचा जा सके, लेकिन लोग हैं कि उन्हें समझ में ही नहीं आता कि स्वच्छ रहना उनके लिए कितना आवश्यक है। ऐसा ही नजारा देखने को मिला मकसूदनगढ़ में, जहाँ नालियाँ बंद पड़ी हुई है और उनका पानी रोड पर बह रहा है। लोगों को गंदगी फेंकने की ऐसी लत लगी हुई है कि वह अपने घर का तो साफ सफाई का ध्यान रखते हैं और घर का कचरा रास्ते में फेंक देते हैं। ऐसा नहीं कि प्रशासन द्वारा साफ सफाई न की जाती हो, लेकिन केवल प्रशासन के बल पर साफ सफाई छोड़ दिया जाए तो कैसे काम चलेगा, कैसे बनेगा स्वच्छ भारत। मकसूदनगढ़ को स्वच्छ रखने के लिए कई नागरिक एवं समाज सेवी भी आगे आए हैं, लेकिन उनके प्रयास करने के बाद भी लोगों की आदतें जस की तस हैं। इन दिनों जहां देखो तहां पर गंदगी ही गंदगी नजर आती है। इस गंदगी के चलते कई बार लोगों को चोटें भी आती हैं, पर क्या करें, गंदगी तो खुद लोग ही करते हैं। ओपन चल रहे ना, 5 मिनट बाद क्या से बोलो, काम कहाँ आगो भैया, वो अस्पताल को आ रहा था। गर्मी के कारण बहुत सी परेशानी होती है हमें, जैसे पानी गिरता है तो ये नालियाँ भरा जाती है, इसका पानी फिर घरों में जाता है और इससे हमें मच्छरों की बहुत ज़्यादा शिकायत है और ये मतलब बहुत दिक्कत आ रही है हमें मतलब इस गंदगी से, मतलब और सुनवाई होने ही रही है हमारी। लोग वहाँ सड़कों पर भी कचरा फेंक के जाते हैं क्योंकि उन्हें सुविधा नहीं मिल पा रही है, इसलिए इससे बहुत दिक्कत है। तो हम प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि हमें इससे मतलब सहायता मिले, इसे हटाने की व्यवस्था करें। क्या स्वच्छ भारत मकसूदनगढ़ में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल नहीं। इस पर क्या कहना चाहोगे? कहना क्या चाहते हैं, हमारा तो यही विचार है कि स्वच्छ भारत हो, लेकिन अब सब लोग करें तो ही तो भाई सरकार हमें सब व्यवस्था करवाई तभी तो हम स्वच्छ भारत करें। मकसूदनगढ़ से हमारे सहयोगी टोनी शाह की रिपोर्ट। बजरंगढ़ के राम मंदिर तालाब में फिर से निकला शव। बजरंगढ़ ग्राम के लोगों ने सुबह जब तालाब में देखा तो उन्हें एक शव तैरता हुआ नजर आया। उन्होंने तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने आकर शव को बाहर निकालकर पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए गुना भेज दिया। मृतक का नाम दिनेश ग्वाल है, जो कि हलवाई का कार्यकर्ता था, जिसकी उम्र लगभग 32 बरस थी। बजरंगढ़ राम मंदिर तालाब के पास अधिकतर लोग पार पर बैठकर शराब पीते देखे जाते हैं। तालाब में हजारों की संख्या में शराब की बोतलें एवं पानी की पाउच पड़ी हैं, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता। तालाब में किसी के मरने की यह पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई घटनाएं इस तालाब में हो चुकी हैं। यह तालाब लगभग अब तक 7 से 8 लोगों की जान ले चुका है। आज सुबह मालूम पड़ा कि दिनेश ग्वाल तालाब में गिरा हुआ है, तो पुलिस को कन्फर्म करना किया। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने पंचनामा बनाया, इसके बाद पोस्टमार्टम की गाड़ी आ गई, तो उसको लेकर यहाँ पर आ गई। कुछ लगता है क्या कारण से मौत हुई है? ऐसा कुछ नहीं है, लड़का शरीफ है, बिल्कुल सीधा साधा है, कोई ऐसी विशेष बात उन्हें समझने में नहीं आ रही। भाइयों और बहनों के पवित्र रिश्ते का पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन, जिसको लेकर कई दिनों से बहनें लालायित थीं कि कब वह शुभ अवसर आएगा कि वह अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांध सकें। आज रक्षाबंधन के चलते बहनों की वह मुराद भी पूरी हो गई और उन्होंने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर अपने प्रेम का इजहार किया। साथ ही भाइयों ने भी उन्हें आश्वस्त किया कि वह जीवन भर उनकी रक्षा करेंगे। Thank you.
सराफ्ता ग्राम में विकासखंड गुना में नीति आयोग के कृषि कल्याण अभियान के अंतर्गत उद्यानिकी विभाग एवं आयोजक उद्यमिता विकास केंद्र गुना द्वारा कृषक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नोडल अधिकारी एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र आरोन से डॉक्टर एस के धोनरुया, सहायक नोडल अधिकारी एम एल त्यागी, ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी आर के दौरे, जिला समन्वयक अधिकारी उमेश पाठक इत्यादि मौजूद रहे। इसमें किसानों को ये बताया गया कि खेती को लाभ का धंधा कैसे बनाया जाए, वह शासन की कल्याणकारी योजना, साथ ही उद्यानिकी फसलों एवं खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में जानकारी दी गई। उसमें नली लगाते हैं, वो नलियाँ साधारण नहीं रहती, आपकी जो HDPE पाइप है उसकी बनी हुई रहती हैं वो नलियाँ, उन नलियों को अपन खेत में बिछा देते हैं। हाँ, खेत में उनको 30-30 फीट की दूरी पे बिछा दिया, इधर 30-30 फीट की दूरी पे आपने इधर सिस्टम कर दिया, फिर उसमें नली में 30-30 फीट की दूरी पे हम जो है नोजल देते हैं, वो हमारा नोजल 3.5 फीट की ऊंचाई का रहता है, उसमें हम नोजल लगा देते हैं तो वो फव्वारा चलता है, आपने बटन दबा दिया वो फव्वारा चलेगा, तो आपके पूरे 5 बीघा में एक साथ सिंचाई होगी। अभी जो हम स्प्रिंकलर लाते हैं उसमें क्या है, पाइपों को जगह जगह रखा, जैसे फिर तीसरी जगह जगह, इसमें ऐसा नहीं है क्योंकि इसमें नलियां 30-30 फीट पर बिछा दी जाती है। म्याना से हमारे सहयोगी सत्येंद्र तिवारी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद राधोगढ़ के परामर्शदाताओं एवं छात्र छात्राओं के द्वारा ग्राम बावड़ी खेड़ा में रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आंगनवाड़ी केंद्र बावड़ी खेड़ा में मुख्यमंत्री संबल योजना अंतर्गत संगोष्ठी एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें परामर्शदाता सुरेश केवट के द्वारा मुख्यमंत्री जन कल्याणकारी संबल योजना के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई, जिसमें पात्र हितग्राहियों को अधिक से अधिक लाभ लेने का आग्रह किया गया। इस अवसर पर ग्रामीण जनों व भाइयों एवं बहनों ने वृक्षों को राखी बांधकर रक्षा करने का एक नया संदेश दिया। इस अवसर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शशि जैन, बनवारी लाल लोधा, कमलेश सिंह लोधा, पवन लोधा आदि ग्रामीण युवाओं ने इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर वृक्षों का पालन एवं पोषण करने की जिम्मेदारी ली। भाई साहब हट जाओ, राधोगढ़ से हमारे सहयोगी कमलेश सैनी की रिपोर्ट। डीजीआना न्यूज में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।